अंडमान निकोबार के हैवलॉक द्वीप पर भारी बारिश और तूफान की वजह से 800 पर्यटक फंस गए हैं। भारतीय नौसेना सभी को बचाने में जुटी है। नौसेना ने इन पर्यटकों को बचाने के लिए अपने 3 जहाज भेजे हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है वो ये है कि नौसेना के जहाज मौके पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ भारी बारिश हो रही है और समुद्र की भी स्थिति खराब है, जिस वजह से हैवलॉक में फंसे पर्यटक अभी तक पोर्ट ब्लेयर नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जबरदस्त दबाव की वजह से पिछले 2 दिनों से हैवलॉक आइलैंड में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यह दबाव अगले 48 घंटों के भीतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। उधर तूफान के मद्देनजर मछुआरों से कहा गया है कि वे मछली पकड़ने के लिए समंदर से ज्यादा दूर नहीं जाएं। अंडमान निकोबार में फंसे लोगों को बचाने के लिए नौसेना जुटी हुई है, लेकिन खराब मौसम ने नौसेना का रास्ता भी रोक रखा है और यही वजह है कि लोगों को बाहर निकालने में काफी परेशानी हो रही है। देखते रहिए डीवी लाइव।